विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के विषय में आप क्या चाहते हैं मैडम? आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ। अच्छा ये बताइए कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु किससे मिलकर के बनी होती है? पदार्थ के कणों से मिलकर बनी होती है। अच्छा ये बताइए पदार्थ के भौतिक स्वरूप के विषय में आप क्या चाहते हैं? आज का मेरा टॉपिक है पदार्थ के भौतिक स्वरूप। देखिए बेटा प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है तो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है। और पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बेटा? रिक्त स्थान। ठीक है। अब पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है इसे कैसे दर्शाएंगे देखिए। जैसे ये पदार्थ के कण है इस तरह से, ठीक है, इनके मध्य में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान ये क्या है? पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान। सबको समझ में आ गया? यस। मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस मैम। अच्छा ये बताइए कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आप बताइए बेटा। पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। शाबाश बैठिए। पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। अच्छा ये बताइए कि हम पदार्थ कहते कैसे हैं? देखिए पदार्थ का पहला अभिलक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। दूसरा है पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण कैसे होते हैं? गतिशील। गतिशील। पदार्थ के कणों में
अच्छा